आपकी जय और मेरी विजय। विजय का मतलब होता है भैया आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आज थोड़ा मुलाकाती मूड था तो लगा कि कुछ बैठक की जाए। अचानक नाम आया एक बड़े जर्नलिस्ट साहब का, उनको आप भी जरूर जानते होंगे, पेपर पढ़ते ना, कई बार बायलाइन खबर देखी होगी आपने और कई बार ऐसा भी होगा हुआ होगा कि बोलने वाली कुछ जिक्र मिला होगा। लेकिन साहब आज हमारी मुलाकात हो रही है मनोज जोशी साहब से। बिल्कुल, लेकिन इस बार कोई फोड़ने वाली खबर भी नहीं है और ना ही कोई खुलासा। भाई साहब ने एक किताब लिख रखी है और उसका नाम है हिंदुत्व और गांधी, वो सब्जेक्ट, वो विषय जिस पर अक्सर विवाद होता रहता है। इस किताब का क्या मकसद है हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद है। भाई साहब जय हो आपकी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आगे बढ़ूं, इससे पहले ये किताब लिखी है आपने, क्या विषय है इसका और मैं क्यों पढ़ूं? मतलब मेरा सवाल सीधा ये है कि मैं क्यों पढ़ूं इस किताब को? तो वास्तव में मेरे को ऐसा लगता है कि ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए ताकि गांधी जी को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के जो अलग गलत तरह की धारणाएं बनी हुई है अलग अलग कारणों से, वो कारण इस किताब को पढ़ करके साफ होती है, वो धारणाएं टूटती है। किताब में ऐसी कई बातें जो कम से कम मेरी जनरेशन को, हमारी जनरेशन को नहीं पता है, और वो चीजें इसमें मैंने सामने ला करके लाने की कोशिश की है। बिल्कुल सही बात है। एक बार हम किसी का खाका बना लेते हैं और उस आदमी को या उस शख्सियत को उस खाके में रख देते हैं और कोशिश नहीं करते झांकने की या उसको बदलने की। अच्छा, ये सब्जेक्ट कैसे ख्याल में आया, मतलब भाई कि हमें ये इस सब्जेक्ट पे लिखना है, कैसे? तत्काल के भाषा में कहूं तो आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक अनायास मेरे को सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि जब कोरोना की जो स्थितियां बनी अचानक फर्स्ट लॉकडाउन के समय में, तो एकदम से जिंदगी थम गई। अपन लोग जैसे जानते हैं कि पत्रकार लोग 14 घंटे की भाग दौड़, खुद के बारे में सोचने समझने तक का टाइम होता है, ठीक है। ऐसी लाइफ स्टाइल वाले व्यक्ति को एकदम से किसी ने घर में बंद सा कर दिया, तो कुछ पढ़ने लिखने का, खुद के बारे में कुछ सोचने समझने का टाइम मिल गया। और उस समय में पालीवाल जी थे, आर के पालीवाल जी, वो गांधी और अम्बेडकर पर फेसबुक पर लिख रहे थे। सुबह सुबह मैंने उसको पढ़ा कई दिन तक, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, 10 दिन, मुझे लगा कि यार ये वो चीजें बता रहे हैं खासतौर से गांधी जी के बारे में जैसा मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं पता। फिर परिवार जैसे मेरे अच्छे संपर्क रहे, उनसे मैंने बातचीत की, उनने मेरे को कुछ पुस्तकें बताई कि ये पढ़ो, जैसा पढ़ो, उनने मेरे को हिंद स्वराज के बारे में कहा, उनने मेरे को गांधी जी, तो मैंने फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू करा। और फिर जब पढ़ा तो मेरे खुद के जाले साफ हुए। जब मेरे खुद के जाले साफ हुए तो मुझे अंदर टाइम भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार लिखना चाहिए। टाइम का उपयोग किया, टाइम का उपयोग किया। इसका रिसर्च कैसे किया आपने? क्योंकि ये मैंने जैसे कहा ना कि गांधी और हिंदुत्व, ये शब्द सुन के एक अलग टाइप का मतलब मसला सामने आता है, तो आपने कैसे रिसर्च किया, कैसे इस कॉन्टेंट को इकट्ठा किया? ये बहुत सही सवाल है आपका। बेसिकली ये खासतौर से पत्रकारों को इस बात को समझना चाहिए कि हम जो बात करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए हम गांधी जी के बारे में बात करें या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो हम गांधी के बारे में बात करें तो सीधे गांधी जी को पढ़ें। हम ये चक्कर में नहीं रहें कि गांधी जी के बारे में फलाने जी ने क्या कहा है, गांधीवादी लोग क्या कहते हैं, गांधीवादी संस्थाएं क्या कहती हैं, उस चक्कर में नहीं पढ़े। हम सीधे गांधी जी को पढ़े, गांधी जी जब थे तो गांधी जी ने खुद क्या क्या लिखा है, खुद क्या कब क्या कहा है। और बहुत अच्छी बात ये कि सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है। ओके, तो वो सारा और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पूरे गांधी वांग्मय, उनकी जो उनकी पत्र पत्रिकाएं जिनका गांधी जी संपादन करते थे, वो सारी पत्र पत्रिकाएं, उनके कंटेंट, वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और रात में बैठ करके जब मैं 12-1 बजे तक, कई बार 2-2 बजे तक भी उसको बैठ करके देखा, उसके नोट्स बनाए, फिर उसके बाद में उसको लिखा, मेरे ये बात बिल्कुल समझ में आई कि सीधा पढ़ने पर ज्यादा स्पष्ट होता है, तभी बात क्लियर होती है। क्योंकि मैं अगर आपके बारे में कहूंगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा परसेप्शन शामिल होगा। बिल्कुल। और आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, इसमें कुछ जो खबरें आती है, कह सकते हैं इंफॉर्मेशन आती है, सूचनाएं आती है, वो माशाल्लाह होती है, बिना पढ़े लिखे होती है, वो वायरल होती आती है। इसमें मैं एक, मैंने किताब पढ़ी नहीं है मनोज जी, लेकिन जब आपने मुझे ये किताब दी है जरूर पढ़ूंगा कुछ में, लेकिन यहाँ पॉइंट देख रहा हूँ, आप लिखा है डॉक्टर हेडगेवार गुरु जी और महात्मा गांधी, कैसे संबंध है? ये बड़ा एक है, देखिए दिलचस्प विषय, बिल्कुल दिलचस्प है। इसमें आप देखिएगा गांधी जी और डॉक्टर हेडगेवार के बीच के पूरा संवाद वर्बेटम में लिखा हुआ है। ओके,
और क्योंकि डॉक्टर एडगेवार उम्र में कम थे, उम्र से बड़े थे, तो उस तरह से जो उनका पूरा एक दूसरे का सम्मान रखते हुए जो सारी बातचीत हो रही है उस पूरे को आप देखिएगा, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब जो है गांधी जी को किसी तरह कर लेंगे। और पूरे समय में इनफैक्ट डॉक्टर एडगेवार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे ना, तो उसके बाद जब इवन खलिश कैसे आती है, मतलब हम ये जब देखते हैं सियासत की ओर देखते हैं, वहां उस चेहरे की ओर देखते हैं, खलिश आती है संघ और गांधी। देखिए ये सियासत है और वो सियासत वही बात है जिस परसेप्शन की जो बात करते हैं ना हम लोग, ये कुछ लोगों ने अपनी सियासत के लिए जो है उस तरीके से दोनों को अलग अलग शो किया। आप दूसरे ढंग से सोचिए कि इस भारत देश में आज से लगभग 150 साल पहले जो व्यक्ति जन्मा और जिसने सन 47 के आखिरी में हमारे आजादी के आंदोलन को लीड किया, उस देश में जो आदमी ऐसा आंदोलन को लीड कर रहा है, क्या वो हिंदुत्व से अलग हो सकता है? इस देश के मूल विचार से अलग होकर के कोई व्यक्ति कैसे संभव है कि आज से 150 साल पहले जनता को लीड करे? वो बिना उसके। अच्छा, गांधी जी की हिंदुत्व की परिभाषा क्या थी? जब आप इतना बता रहे हैं मुझे ये बताइए ना, गांधी जी की हिंदुत्व की परिभाषा क्या थी? आज जो हिंदुत्व की परिभाषा दी जा रही है उससे परे। गांधी जी ने एक जगह मैंने इस पुस्तक में लिखा है, गांधी जी ने कहा है कि हिंदुत्व जो है मतलब सभी धर्मों का धर्म है जी। इस पुस्तक में उस बात का जिक्र किया है, आप देखिएगा लिखा है। गांधी जी कहते हैं कि हिंदुत्व सभी धर्मों का धर्म है और वो जो मतलब उसमें बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि जब तक गोरक्षक जिंदा है तब तक हिंदुत्व जिंदा है। मतलब और गांधी जी की गोरक्षा में, गांधी जी की आपके गीता में, गांधी जी की गंगा जी में अगाध श्रद्धा। और एक बहुत जोरदार बात बताता हूँ कि अक्सर जो अयोध्या का जो विवाद हुआ उस विवाद को लेकर के जो बातें होती हैं, अब तो खैर सारी चीजें निपट गई, सुप्रीम कोर्ट से वहां मंदिर बन रहा है, लेकिन एक आम तौर पर बात यह आती है कि 1949 में किसी व्यक्ति ने उस विवादित ढांचे में मूर्ति रख दी और उसके बाद ये सब बकरा शुरू हुआ, ऐसा ऐसा बताया जाता है। और मैं भी मानता था कि ऐसे ही हुआ होगा कि ठीक है कभी किसी ने तोड़ दिया था, ये हुआ था, पता, लेकिन शुरुआत कहां से 1949 शुरुआत, मैं भी ऐसे ही मानता। लेकिन ये पुस्तक बताती है कि गांधी जी अयोध्या गए तो 1949 में गांधी जी नहीं थे, ठीक है ना, गांधी जी गए 1949 उसने ये लिखा है जी। तो गांधी जी गए और गांधी जी ने रामलला के दर्शन किए, दर्शन किए मतलब मूर्ति थी ना जी। और गांधी जी ने उस पुजारी को ये कहा कि इनको खादी के वस्त्र। अच्छा जी, तो ये इससे पता लगता है कि, और इस बात को पता नहीं क्यों छुपाया गया, ऐसे ऐसे तमाम भी बातें हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है, आज की बार कह दो तो हंगामा खड़ा हो जाएगा बेशक। और कि गांधी जी कौन है? राष्ट्रपिता। हमने कहा गांधी जी ने तो नहीं कहा मुझे राष्ट्रपिता कहा, हम जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता कह रहे हैं वो कह रहा है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति नहीं है। और मैं जो अगर मान लीजिए कोई राजनीति के साथ कहता है कि मैं धर्म के आधार पर राजनीति करूंगा तो हम उसके बखड़ा कर देंगे, कम किधर जा रहे हैं, ये हमको भी सोचना चाहिए। कहाँ कहाँ लगता है आपको कहाँ पर विघ्न आ जाता है, कहाँ पर सोचने समझने में कुछ चूक हो जाती है? वोटों की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जाता। मतलब जो है कुछ लोगों को लगता है कि गांधी जी को हिंदुत्व से अलग दिखा करके हम वोट ले सकते हैं और दोनों तरफ के लोग हो सकते हैं, उसमें मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि शायद वो गियर दोनों तरफ से ऐसा घूम रहा हो, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक पिक्चर सामने आती है जिसमें ऐसा मतलब बताया जाता है या दर्शाने की कोशिश की जाती है कि गांधी जी का किसी एक वर्ग विशेष के प्रति थोड़ा सा झुकाव ज्यादा रहा है। आप इसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पता लगता है कि अंग्रेज गांधी जी को हिंदू नेता मानते थे और जिन्ना को मुसलमानों के नेता मानते थे, और गांधी जी को कांग्रेस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा, मतलब सारी बातें स्पष्ट होती है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि गांधी जी किसी, वो उनका बात करने का तरीका हो सकता है, सारी बातें हो सकती है, फिर यह भी है कि सबको जोड़ करके रखने का भी वो हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति रामराज्य की बात करता हो वो किसी, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हिंदुओं से अलग होने की बात कर रहे हो? मेरे दरअसल में फेसबुक पर मैंने शेयर लिखी थी, उसका टाइटल ही ये था
हिंदुत्व और गांधी जी का साम्राज्य, वो तो क्योंकि पुस्तक का टाइटल वगैरह छोटा होना था उसको लेकर के फिर इस कारण उस पर संज्ञा लगा, नहीं तो मेरा फेसबुक की सीरीज का टाइटल यही था हिंदुत्व और गांधी का। अच्छा, लिखने के दौरान कुछ दिलचस्प आपके साथ हुआ हो, कुछ वाक्य आपको याद आ रहा हो? कई लोग टोकते थे, जैसे आज आप सवाल पूछ रहे हो, ऐसे कई लोग बोलते थे कि यार गांधी जी को लिख रहे हो, गजब करते हो। अच्छा, जब किताब आपकी आ चुकी है, आप कई लोगों ने पढ़ी है, क्या क्या उधर से रिटर्न आ रहा है, क्या इनपुट आ रहा है आपको? जो ये मानते थे पहले कि नहीं गांधी और हिंदुत्व बीच में एक थोड़ी थोड़ी खलिश की बात आती थी, अब किस तरह का इनपुट आ रहा है? आपको लग रहा है कि आप वाकई अपने लक्ष्य में लिखने के का एक जो आपने लक्ष्य तय किया था जिस दिशा की ओर, वो सार्थक होता हुआ? जब जो भी व्यक्ति पूरी किताब पढ़ ले रहा है, आखिरी पेज पढ़ ले रहा है, वो यही बात कह रहा है क्या कि एक प्लेटफॉर्म पे लगे खड़े कर दिया तो। अच्छा, एक और आपका मैं देख रहा हूँ इसमें है, वीर सावरकर और महात्मा गांधी। वीर सावरकर को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है, खासकर सियासत में आप देखें तो हर चुनाव में वीर सावरकर की एंट्री होती है। हाल ही में गुजरात में निपटा, अब बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाले, तो यहाँ भी वीर सावरकर नजर आएंगे। हाँ जी, पुस्तक अलोकार्पण है सावरकर को। जी जी, तो इनका जो आपने लिखा कुछ बता पाएंगे आप हमारे भाई लोगों को कि क्या कुछ संबंध है दोनों के बीच? एक बहुत ही जोरदार पॉइंट है, लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं, और मैंने लिखा है कि जिस सावरकर की जिस माफी की बातचीत होती है कि सावरकर ने अमेरिका से माफी और ये करा वो करा, वो माफी का जो माफीनामा था, जिसको माफीनामा कह रहे हैं भोपाल, वो जो याचिका थी, वो याचिका किसके कहने पर लिखी गई और कैसे लिखी जाना चाहिए, वो किसने बताया? वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी वीर उनके भाई को पत्र लिख रहे हैं और उस पूरा पत्र वर्बेटम में इस किताब में आपको मिलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है, और उसमें वो लिख रहे हैं कि ये मतलब उसको ऐसे इस तरह से तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आखिरकार महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वो बता रहे हैं कि इसको ऐसा ऐसा लिखिए, और उसमें ये भी प्रत्येक पता लगता है कि पहला पत्र नहीं है, कोई ना कोई एकाध पत्र और लिखा गया था वो गांधी जी के ही उसकी वजह से। और इसमें एक और जिक्र है, गांधी जी वीर सावरकर से ब्रिटेन में मिले, वो भी दोनों बहुत काम करने के तरीके अंतर होना अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन दुश्मनी होना अलग बात होती, जिस तरह से अलग अलग ध्रुव बताए जाते हैं ऐसा कदई नहीं है, मेरी मतलब बहुत अंदर से धारणा मेरी बन चुकी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सियासत ने बहुत कुछ पलट कर सामने दिखाया हुआ है, बहुत कुछ। संघ 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 का भी आपने उल्लेख किया, संघ और महात्मा गांधी, बिल्कुल है। आप सोचो कि ऐसा माना जाता है कि दोनों अलग अलग हैं, लोग उसी तरह से विचार बात करते हैं कि तो है ना, लेकिन मेरा एक धारणा थी इस पुस्तक को जब लिख रहा था तो कहने में दिमाग में एक जो बात रहती थी कि यार अगर गांधी जी मान लीजिए हिंदुत्व के खिलाफ थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो स्टार्ट के दशक में जब संघ ने अपना एकात्मता स्तोत्र जो प्रातः स्मरण है उसमें गांधी जी का नाम शामिल करा, तो मैं एक बात जानता हूँ कि संघ कोई भी काम अकारण नहीं करता, उसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो संघ शायद 62-63 का है, उस समय जो उन्होंने उसको करा तो गांधी जी का नाम शामिल करा तो कोई ना कोई रीजन हुआ, ठीक है। तो रीजन क्या था वो जब इसको जब देखते हैं तो पता लगता है कि जो पूरा मतलब जो गांधी जी का एसेंस है वो पूरा संघ में मिला। उस दिन जब दिन पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उस दिन यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सह चित्रकार हुआ है हेमंत मुक्ति बोल जी, वो उस दिन मंच पर थे, उन्होंने जिस पूरी बात को डिफाइन किया है तो बात जब समझ में आती है। संघ जो है वो गोरक्षा का समर्थक है, गांधी जी गोरक्षा का समर्थक है, ठीक है। संघ जो है कहता है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, वो गांधी जी कहते हैं अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, सारी वो सारे हिंदू धर्म में हिंदू संस्कृति में सुधार की सारी बात, वो सारी बातें गांधी जी करते थे, वही सारी बातों के लेकर संघ आगे बढ़ रहा है। तो फिर अलग अलग कहा, लेकिन दूरी तो हमेशा लिखी है संघ की तरफ से, ज्यादा दूरी लिखी है, आप भी संघ के करीब ही रहे हैं, फिर ये दूरी क्यों लिखती है जब आप ये कह रहे हैं कि इतने अच्छे संबंध थे और संघ का भी झुकाव रहा, तो फिर इतनी दूरी क्यों लिखती रही संघ की तरफ से? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि दूरी जो दिखती है ना वो है नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। तो स्वीकारता कभी दिखी आपको संघ की तरफ से, स्वीकारता गांधी जी को लेकर?
स्वीकार्यता और आगे का सन में वही कह रहा ना, तो सन 64 में जो 60 के दशक में प्रातःस्मरण में गांधी का नाम है ना, ऐसे ही थोड़ी समझ गया वो। और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रमों में गांधी जी का तस्वीर होती है सार्वजनिक तौर पर, स्वीकार्यता कहाँ दिखी संघ की साहब? यही तो समस्या। और वो ही कहीं जो संघ जैसे सपोर्ट करता रहा जिस पार्टी को, उस पार्टी ने खूब कुछ कुछ उन शब्दों को लिया, अब जरूर स्वीकारता दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले नहीं थी। तो क्या वहां भी कुछ ऐसी चूक थी या वहां भी लगता है कि जानकारी का अभाव था जो बीच में दिखा? नहीं, जानकारी का अभाव नहीं, लेकिन एक बात जरूर हो सकती है कि जब गांधी जी की हत्या को लेकर के गलत आरोप लगा करके संघ में प्रतिबंध लगाया गया और लोगों को जेल में डाला गया और वो सब कुछ हुआ, तो उसके कारण उस पीढ़ी के स्वयंसेवकों में खटास स्वाभाविक रूप से हो सकती है। जिसने मारा वो भी तो नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। अच्छा हाँ, सवाल ही नहीं है, वो तो माना ही नहीं जा सकता सारे। और बल्कि आपको एक जोरदार चीज बताता हूँ, आप जो सेंटेंस उसको मैं पूरा करता हूँ। जी, 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 इस देश में, इस देश में मेरे लिए दुख की बात है ना, वो यार उसमें लिखा हुआ है, मैं इनफेक्ट भूल रहा हूँ, जब गांधी जी की हत्या में जिन लोगों को आजीवन करा हुआ था, मैं उस उन नामों को अपने जुबान पे नहीं लाता है ना, उन लोगों जिनको आजीवन करा, दो लोगों को फांसी हुई और जिनको आजीवन कारावास हुआ और वो जब बाहर निकले, उनका लेकर के एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के को बेस बना करके बाल गंगाधर तिलक के नाती के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तुमको पता है कि गांधी जी की हत्या होने वाली थी। ये मतलब है, ये बात जब मेरे को पता लगी कि ये ऐसा ऐसा आरोप लगाया गया और वो उस फिर उसको लेकर के आयोग बना, उस आयोग की पूरी रिपोर्ट है, उस आयोग की पूरे जिक्र आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। और तो जिस देश में ये हालत हो जाए उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। गांधी तिलक के नाती के ऊपर आरोप लगाओगे कि उनको पता था, उसमें बीजी खेर का उन्होंने नाम दिया, उसमें मुरारजी देसाई के बयान में सारी जब जो डिटेल अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो कुछ तो भी है, राजनीति क्या करा देगी कोई ठिकाना नहीं है। चलिए एक और इसमें मैं देख रहा हूँ मनोज भाई, इसमें लिखा संघ की स्थापना क्यों, आपने इसका उल्लेख किया है, तो संघ की स्थापना के पीछे भी गांधी जी थे क्या? नहीं, गांधी जी थे ऐसा नहीं कह सकते, वो मतलब सीरीज में असल में पूरे हिंदुत्व की अवधारणा किताब हिंदुत्व और गांधी जी है, केवल गांधी जी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हिंदुत्व को भी समझाना और हिंदुत्व की अवधारणा उसको भी शुरुआत में हिंदुत्व। चलिए तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप जरा हिंदुत्व बताइए ना कि आपने क्या परिभाषा उसको परिभाषित किया हिंदुत्व को, क्योंकि आजकल जो हिंदुत्व है आपको मालूम है कि आप कहीं भी हिंदुत्व का नाम ले लें बवाल खड़ा हो जाता है, गांधी का नाम ले लें तो भी बवाल खड़ा होता है। सियासत ने कुछ नामों को इतना कर दिया है कि जिसको लेकर बोलने में लोग सार्वजनिक रूप से थोड़े से भारत हिंदुत्व बोला हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, वो हिंदुत्व का कतई अर्थ जो है पूजन पद्धति नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उस पूरे जजमेंट को मैंने इस पुस्तक में भी लिखा है। और जो एक अलग बात और बताता हूँ आपको कि हिंदू ये शब्द जो है ना, ये हमको किसी विदेशी ने नहीं दिया, ठीक है, ये हमारे ग्रंथों में सारा आपको पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने जो धारणा वो करी है खुद के हिसाब से, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था उसको मैंने जिसको अंगीकार किया है कि ह धन इंदु बराबर इंदु, तो जिसका हृदय इंदु यानी चंद्रमा के समान पवित्र है वो हिंदू है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु शब्द से हिंदू नहीं आया। अच्छा, वो मैंने उसमें आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में है, बहुत लंबा हो जाएगा, वो नहीं आया, वो जो है हमारा। और क्योंकि अगर सिंधु घाटी से आया तो जो चीनी थे वो इंतु कहते थे, इंतु जो है वो चीन में इंतु जो है चंद्रमा को कहते हैं, ओके, इंतु से भी हिंदू हो सकता है ना। और अब उसको देखेंगे तो बात सारी चीजें वो सवाल वो उस तरह से नहीं आया ये इसको स्पष्ट, क्योंकि मैं भाषा विज्ञानी नहीं हूँ और उतना तो केवल लिखा लेखन लिखा हुआ सब्जेक्ट को नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कलम के तो आप धनी हैं, आज के हिंदुत्व को कैसे देखते हैं? देखिए राजनीति ने जिन चीजों को बिगाड़ दिया है ना उसी को रिपेयर करने की बातें हैं। गांधी मतलब जो राजनीति के लोग हम पत्रकार हैं, समस्या ये होती है कि शायद समाज शायद वैसे नहीं देखता, समाज तो शायद वैसे ही देखता है जैसा हिंदुत्व है। हम लोग
पत्रकारों और नेताओं और जो इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग समझते हैं खुद को, वो लोग जैसा समझते हैं वैसा नहीं है और समाज भी वैसा नहीं समझता। चलिए आप लोग भी पढ़िएगा जरूर हिंदुत्व और गांधी मनोज जोशी जी की किताब है। आपका कहना है कि बहुत कुछ जाले, दिमागी जाले कहा जा सकता है ना, जो अभी तक है वो साफ होंगे और आप समझ पाएंगे कि असल हिंदुत्व क्या है और असल गांधी क्या थे हिंदुत्व को लेकर। आपको कितना लगता है कि आप अपना लक्ष्य साधने में सफल हो रहे हैं? अब बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं किताबें, पुट्स भी आ रहे होंगे, कितना सुकून मिलता है कि जो आपने लिखने की कोशिश की या जो लोगों को समझाने की कोशिश की उसमें सफलता की ओर बढ़ रहा है? मुझे लगता है काफी, मतलब मैं जितना उम्मीद कर रहा था उससे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। मुझे बल्कि जो विमोचन का कार्यक्रम था, उस विमोचन के कार्यक्रम में कम से कम 250 लोग 2 घंटे तक बैठ करके इतने क्लिष्ट विषय पर 5 बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण सुनते रहे और उन वो सब वक्ता मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि 2 घंटे तक भाषण सुनने की कैपेसिटी आज की तारीख में है नहीं लोगों में। मतलब एक बात है ना कि आज ये जाले साफ करने हैं युवा पीढ़ी के दिमाग से, ठीक है, और युवा पीढ़ी है वो पढ़ने में कम इंटरेस्ट रखती है, सुनने में ज्यादा रखती है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या सोशल मीडिया हो, वहां जो चलता है वो आप बेहतर जानते हैं, तो उन तक आप कैसे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो पीढ़ी इस किताब को पढ़े, उस चीज को समझे, असल मुद्दे तक पहुंचे, असल तथ्यों तक पहुंचे? बहुत ही बढ़िया बात पूछ रहे हो आप। देखो, एक तो आपका ये माध्यम है जी, ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है, आप सोचो उस दिन मतलब ये बात सुरेश जो विश्वविद्यालय के कुलपति उन्होंने भी कही कि नॉर्मली फेसबुक को बहुत ही सामान्य टाइप का ऐसा हल्का फुल्का प्लेटफॉर्म माना जाता है, उस हल्के फुल्के प्लेटफॉर्म पर मैंने उसको जब लिखा 50 पोस्ट आई तो वो भी रिस्पॉन्स आए और उसके बाद में अभी जो पूरा मतलब इसको किसी तरह से सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से इसको पब्लिसिटी की जाए, तो वही मैं जो कर सकता हूँ उतना तो कर रहा हूँ, बस बाकी सब लोगों के सहयोग से मित्रों से करेंगे। इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो लोग कहाँ से इसको ले सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ इस किताब की उपलब्धता है? ये अर्चना प्रकाशन है दीनदयाल परिसर में, वहां से उपलब्ध है और बहुत जल्दी अर्चना प्रकाशन की वेबसाइट आने वाली है, उस वेबसाइट पर ऑनलाइन में पुस्तक पीडीएफ में भी और वैसे भी अवेलेबल हो जाएगी, बस तैयारी चल रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों भाई, वो भी पढ़े हैं, वो भी असली तथ्यों तक पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जो बात बीच में कही उसी बात को रिपीट कर सकता हूँ कि सीधा पढ़ें और दिमाग में कोई जाले ना रख करके पढ़ें, और केवल गांधी ही नहीं बाकी चीजों को भी अगर पढ़ना है तो पढ़ने से ही बात निकल सकती है, पुरानी चीजों को और किसी धारणा को बना करके या और वर्ड इस तरह के नहीं करेंगे तो ही हमारे, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी भी है, हम नहीं जानेंगे तो फिर खत्म होने के वाला है। तो आप व्हाट्सएप पे बहुत कुछ पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ देखते हैं, फेसबुक पर बहुत कुछ ताकते हैं, तो कोशिश करिए असल चीज पढ़ने की, ऐसी चीज पढ़ने की जो आपके दिमाग के जो जाले हैं ना जो बहुत लग चुके हैं वो दूर हो सके। तो कोशिश करिए हिंदुत्व और गांधी को पढ़ने के लिए। हमारे मनोज भाई ने बहुत मेहनत की है इस पर और रिसर्च कर असली मैटर इसमें लाके दिया, उन्हें असली तथ्य लाके दिया, और पूरी आशा है कि आपके दिमाग के जो जाले है ना वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, मनोज भाई अगली बार फिर बैठते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें इसी तरह की होंगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आप भी घूमिए फिरिए, ठंड का दिन है, कुछ अच्छा अच्छा खाइए, एकदम बिल्कुल मजा आया। जय हिंद।